लीडर शुक्र अहमद के साथी छोटे मकसूद को गिरफ्तार किया था और आज उसका नरकोटिक टेस्ट होने वाला है, लेकिन राज्य के डीजीपी रमाकांत इससे साफ इनकार कर रहे हैं। मकसूद, तुम्हें ट्रीट करने वाला डॉक्टर हूँ मैं, बेझिझक होके अपने मन का हाल बता दो मुझे। कैन वी प्रोसीड? क्या करते हो तुम यहाँ? आम वेपन सप्लाई, हवाला बिजनेस का डील भी करता हूँ। ड्रग्स अनवर खान करता है। और कौन कौन है? कोलकाता में रसीद। मुंबई में रियाज खान। मेरठ में मोहम्मद उल्ला। चल बे, चल रे। तुम यहाँ क्यों आए? क्रिकेट बैटिंग के पैसे लेने के लिए। 500 करोड़ रुपए कलेक्ट करके सिंगापुर भेजने के लिए आया था। सिंगापुर से उन पैसों को कहाँ ले जाओगे? लीबिया, पाकिस्तान में हमारे अकाउंट है। क्रिकेट की बैटिंग में जो पैसे मिले वो कहाँ है बताओ? I'm aware of the gang wars in Mumbai. Tell them not to worry about the weapons. Okay. They will be provided in no time. Yeah. Let them fight with one another. I'll take care of the things which is going to happen. Follow your suggestions, sir. Me and Michael will look after that. Mr. Michael, you have to deliver the weapons on time this year. And make sure it should be powerful weapons. Weapons are not a problem, sir. The security is very tight. You need to talk to someone in India to make it easier to deliver. Concentrate, divert karna mujhe zara bhi pasand nahi. George. If you want to enjoy, go and enjoy. Steffi, take him inside. Inka manoranjan karo. Go, Mr. George. Hey, Elias. Yeah. India ka cricket business kaisa hai? 50-60% business down ho gaya bhai. India mein har shahar mein competition ho raha hai. Gali mein competition ho raha hai. बहुत मुश्किल हो गया भाई। इलियास। हाँ भाई। योर फेवरेट डिश। इतना चौंक क्यों गए? तंदूरी चिकन के बदले तुम्हारे पार्टनर का सिर आ गया, इसीलिए। इंडिया में तू मेरा विश्वासी था, तुझे मैंने क्रिकेट का बिजनेस दिया। तू यहाँ दो चार राजनेताओं को क्या जानता है? तूने मुझे ही धोखा दे दिया है। यहाँ खूबसूरत हसीनाएं ही नहीं, मौत भी मिला करती है। अब बता, कितना हुआ कलेक्शन क्रिकेट का? शुक्र भाई, कुछ ना भी माफ कर दो। जो 500 crores तुम सिंगापुर ट्रांसफर करने वाले थे वो कहाँ है? वो दरअसल मुंबई के एक होम मिनिस्टर साहब आपको चैम्बर में बुला रहे हैं। एक दिलदार ऑफिसर बड़ी गंदी नाली जैसे मिनिस्टर के पास आके फंस गया। फ्रेम सेट करके इसके भविष्य को देखता हूँ। आओ कमिश्नर, आओ आओ। शुक्र के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उल्लू का पट्टा, लोग तो ब्लैक मनी स्विस बैंक में डिपॉजिट करते हैं, लेकिन ये साला ब्लैक मनी को म्युनिसिपैलिटी स्कूल के वाटर टैंक में रखा है। हाय, ये बताओ ये क्यों आए हैं? हाँ हाँ, ये देखो, इसका नाम है शिवा, उम्र 24 साल। ये पॉकेटमार से आज बहुत बड़ा आदमी बन गया। ये केवल ब्लैक मनी रखने वालों को ही अपना निशाना बनाता है। जिसका पैसा गया वो कंप्लेन नहीं करता और किसी को बोल भी नहीं सकता। अच्छा, तुम लोग विदेशों में जाकर आतंकवादियों को गिरफ्तार तो करके आते हो, लेकिन उस मामूली लौंडे को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो। मुझे एक डाउट है, उसका अपना कहने वाला कोई नहीं है, फिर वो उन पैसों को क्या करता होगा? यहाँ के अनाथालय और समाज सेवा में वो दान कर रहा है सर। लूट की दौलत ये दान कर रहा है? जल्दी इस केस को टेक अप करो, तुम वरना हम अंदर हो जाएंगे। म्युनिसिपल वाटर टैंक के 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को हैंडओवर करने के बाद ही ये केस टेक अप करूंगा सर। सुनो भैया, सिंसियरिटी की भी एक लिमिट होती है। म्युनिसिपल वाटर टैंक का पैसा कहाँ जा सकता है? वाटर के साथ मिलके इनके टैंक में आके गिरेगा। प्रजा का पैसा प्रजा के प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, यही हमारा सरकारी कानून है। हाँ सुनो, मिडिल ईस्ट केस के लिए मैंने एक और IPS को अपॉइंट किया है, तुम इस केस से डील करो।
लगता ही अपना फ्रेम इस तरह तोड़ रहा है। ये क्या सर, आपको रिस्पेक्ट दिए बिना जा रहा है? आपने उस केस के बारे में और ट्रांसफर के बारे में उसे बताया ना? देखो तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद है। वो आया, सलाम किया, बातें की, चला गया। सुनो पांडे, तुमने देखा मगर अनदेखा किया, सुना भी लेकिन बैरा जैसे खड़ा रहा। तुम सब जानते हो लेकिन अनजान बन के खड़ा रहा। पिए हो तो तुम जैसे। ये पैसे किसके, कहाँ से मिले, किसने दिए? फीस भरने के लिए मेरे भाई ने दिए हैं। भैया वो कौन है, कहाँ रहता है? शिवा, शिवा पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। वो तो मैं देख लूंगा, कल तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है ना, ये पैसे रख लो। देखो शिवा, तुम्हें सबकी फिक्र है, क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा? अपने बारे में सोचो बेटे। इसलिए सोचू मैं, अरे जब दो वक्त की रोटी के लिए अपन 6 साल की उम्र से दर दर भटक रहा था और किसी ने भी उस समय अपन पे तरस नहीं खाया था, तभी अपन ने नकीच कर लिया था। ये जो ब्लैक मनी किसी एक के पास रहेगा वही बिंदास राज करेगा, अगर उसे लूट के गरीबों में बांटा तो गरीब और गरीबी दोनों गायब। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आने वाले कल की बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी, जब तक ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे रहेंगी तो अपन को जरा भी फिक्र नहीं, वो लोग एंट्री से घुसेंगे और अपन बैकडोर से घुसेगा। खैर इंडिया में अपन जैसे टपोरी का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। ठीक है, तुम जाके शादी की तैयारी करो और अपन को बहुत सारा काम है। ए लड्डू, मलाई मार के एक चाय बना। साहब थांबा, इस तरह ढूंढे से नहीं मिलेगा, उसका स्टैमिना डाउन होगा तभी चो मिलेगा। 4 किलोमीटर का स्टैमिना है मुझ में, और अगर उतना ही स्टैमिना तुम में से किसी एक में भी है तो बताओ मुझे। तेरी तो क्यों साहब, एक चोर का पीछा करते करते हार गए ना आप? 2 किलोमीटर में ही स्टैमिना आउट। मेरे स्टैमिना की बात छोड़, मैं तेरा स्टैमिना देखना चाहता था। मेरा स्टैमिना किस लिए? तुझे एक चोरी करनी होगी। क्यों साहब, साइड बिजनेस शुरू कर दिया क्या? इतना टाइम कहाँ, मैं सोचता भी नहीं। तेरा ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। होम मिनिस्टर के पास 500 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है, तू वहां से उठा लेगा तो गरीब और अनाथ लोगों की जिंदगियां संवर जाएगी। क्यों, ठीक है ना? मौका दिया ना, अब चौका दूंगा। लुक मैन, ये इतना आसान नहीं। मिनिस्टर के चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी है, उनके हाथ लगे तो चुटकी में मारे जाओगे। आफ्टर ऑल तुम अकेले हो, कब तक लड़ पाओगे? सो तो है, लेकिन अपन के सीने में अपन का बाप जो बैठेला है। ए, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? क्यों साहब, इन आंखों में आपको डर दिखाई दे रहा है या कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है? आंखों में कॉन्फिडेंस हो और भय दिल में बिल्कुल ना हो। मेरे जिंदा रहते वो कभी ना कहे कि मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की इस दुनिया में है। अच्छा ये बताओ कि इस दुनिया में वो तुम्हें कहाँ मिले?
नशा है तौबा, ए कैसा नशा है। द ग्रेट थ्रेड रॉबरी। कमांडर तुम्हें कुछ समझ आया क्या? कुछ नहीं समझा। समझना चाहते हो तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर क्या इस्तेमाल करूं? उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अभी नहीं। फिर कब? अभी एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली है और तुम दोनों को अलर्ट रह के उस चोरी को रोकना होगा और उसके बाद इसे उठाना होगा। चोरी? यस। यहाँ? यस। समझ के रिएक्शन दिया या ना समझ में रिएक्शन दिया? तुम्हारे फेस में कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही है। तुम पूरे कंफ्यूज्ड हो। मैं क्लियर कर देता हूं। क्या है? ऊपर राखी सावंत है क्या? आप उनको उससे मिलना है। राखी सावंत का नहीं, होम मिनिस्टर साहब का घर है। जाओ जाओ। ओके। तू मिलने नहीं दिया तो अपन थिएटर में देख लेगा। ए ए हे, 10,000 रुपए पड़े हैं, ले ले। चाहिए उस तरफ पुलिस ड्रेस में आकर एक धागे के गोले को उस तरफ फेंका। कैसे? वैसे। हाँ। नजर नहीं आया ना? हाँ? ए, पानी साहब। उसके बाद क्या हुआ? उतना ही सोचा था मैंने, अब आगे क्या होगा सोचना पड़ेगा मुझे। सेम थ्रेड। हेलो कंट्रोल रूम, मिनिस्टर के घर पे किसी ने अटक किया है, जल्दी पुलिस फोर्स भेजो। ओवर। पुलिस बेटे उसे मत खींचो वरना आवाज आएगी। वो मिनिस्टर का बच्चा सारा पैसा टैंक में छुपा कर चला गया है, उसमें मैंने दारू की बोतल छुपा रखी, उसे लाके दो ना। कंपनी वाले ने इसमें एक ही छेद बनाया है, लेकिन किसी ने एक और छेद बनाया है, पर मैं कंपनी के बनाए हुए छेद के द्वारा ही पी रहा हूँ। डू योर ड्यूटी। सर क्या है? कुछ कहना है। तूने पी है? नहीं सर, बाहर की पोजीशन से हम अनजान हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे। मैं वैन से गेट को तोड़कर बाहर जाता हूँ, तब वो बाहर आएंगे और आप गोली चला देना। गुड आइडिया, प्रोसीड। थैंक यू सर। गार्ड्स पोजीशन।
यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारी कुछ समझ में आया? ऐसे घूरने का मतलब क्या, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्सप्रेशन तो मिनिस्टर साहब का होना चाहिए। तुम्हारा हाथ इतना शेक हो रहा है, इसका मतलब तुमने नौकरी के लिए जिसको रिश्वत दी उसका हाथ कितना कांपा होगा। टाटा बिरला का बेटा समझता है। अरे चश्मा कहाँ रख दिया? चश्मे के बिना तुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता। इस उम्र में मैं कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, क्या क्या करूँ, कहाँ बैठूं? अरे संभल के, दादी का चश्मा मिल गया। अरे इसे पहन लो, अभी दिख रहा है ना? हाँ, अच्छी तरह से दिख रहा है। जरा अपन को देखो। क्या अपन चोर लगता है? तू कौन है बबुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर है तो शर्मा क्यों रहा है? अच्छा ये बता, यहाँ क्यों आया? किराए के लिए घर चाहिए। तो दिन में आ जाते, ड्यूटी खत्म होते होते रात के 10 बज जाते। देखो तुम चाहे कभी भी आओ, लेकिन मैं तुम्हें किराए पे घर नहीं दे सकती। अपने पोते का सारा गुस्सा तुम मुझ पर उतार रही हो, ठीक है ना? ये तुम कैसे जानते हो? उस शादी पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, अब तो घर दोगी ना? मुझे तुम लेकर जाओगे? अरे तुम्हारी कसम। वाह वाह वाह, तब तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। देखो बेटे, इस उम्र में ये मजाक वजाक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है दादी, अगर हम घर लौट करके शादी में जाएंगे और घर में चोर आए तो? चोर? और यहाँ इस तरफ राखी सावंत, इस तरफ अमिताभ बच्चन का घर, पीछे पुलिस कमिश्नर का घर और आगे होम मिनिस्टर का घर। सुपर सुपर सिक्योरिटी है ना? हाँ, यानी काफी सेफ है। फोल्स, इसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है, इसलिए आज ये मेरा पीए है। इसके बताने के बाद भी तुम लोग उसे पकड़ने में नाकाम रहे। ये सब आपके पीए की वजह से हुआ साहब। बीच में मुझे क्यों घसीटते हो? वैसे मामला क्या है? शट अप! अरे चोरी हो गई है, चोरी। यू मीन रॉबरी? रात को मेरे 100 रुपए चोरी हो गए थे, वो बात इन्हें कैसे पता चली? उसी 100 रुपए से आपने रात में दारू पी थी। Yes. ये उस 100 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। फिर वाटर टैंक में जो पैसे थे उसकी बात कर रहे हैं। इतना पैसा चोरी हो गया? उस चोर के बारे में आपने पहले बताया था साहब। बताया था, फिर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने मौका कहाँ दिया? शराबी हमेशा सच्ची तो बोलता है। इडियट, सुनो ध्यान से, वो चोर कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा, दैट्स ऑल। हे भगवान, बच गए। रात को मैंने तुमसे क्या कहा था? वो यहाँ कैसे आएगा और किस तरह चोरी करेगा? तुम्हें याद है? क्यों, आपको याद नहीं? मुझे याद नहीं, फिर दोबारा पूरी बोतल पीने के बाद ही याद आएगा। आज रात को पूरी बोतल चढ़ा के वो कहाँ है फ्रेम लगा के पता लगाऊंगा। एक रेस्ट ऑल ऑफ यू, गो गो, जाओ भी जाओ। अरे कितनी देर से समझा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं रहा है। देख देख देख, वहाँ देख कितना पेट्रोल वेस्ट हो रहा है। अरे तेरा क्या जाता है, मारूंगा। इस छोटे लड़के को क्यों मार रहे हो? अरे 10 लीटर पेट्रोल वेस्ट किया इसने। 10 ही लीटर वेस्ट हुआ ना, और अगर आप होते तो 20 लीटर वेस्ट करते। जरा उस डिक्की पे गौर कीजिए। बाप रे बाप, ये तो डिक्की नहीं ढक्कन है। अरे जाने दो जाने दो, टैंक खाली हुआ तो भी चलेगा। वो स्कोडा कार वाली मैडम ने आपको देने के लिए बोला है। स्कोडा कार कौन है? जब मेरी डिक्की देख के तुम्हारा ये हाल है तो आगे का इंजन देखने का दम है तो आगे आओ ना। लॉक करेंगे और मल्टीप्लेक्स में सभी का माइंड ब्लॉक करेंगे। अभिषेक को बुला के ऐश्वर्या के साथ
एक्शन मूवी बनाने को कहा। क्यों डायरेक्ट नहीं किया मैंने? क्योंकि एज ए डायरेक्टर मेरा रेंज ही कुछ अलग है यार। इसलिए कोई जब मुझसे मिलने के लिए आए तो मेरा अपॉइंटमेंट ले, मैं फ्री हूँ या नहीं ये पता करे, फिर मुझसे मिलने के लिए आए। इस फिल्म इंडस्ट्री में अपन का भी कोई नाम है यार। क्रिएटिव पर्सन हूँ यार, सेलिब्रिटी हूँ यार, डायरेक्टरों का डायरेक्टर। अरे बाजू यार, कौन है ये लंगूर? बैग पकड़ना। टू मच। सड़े हुए आम की तरह तू है और ये टिंगू सड़ा हुआ टमाटर, क्या काम करते हो? मैं हूँ हॉलीवुड का शहंशाह। और मैं बॉलीवुड का बादशाह। तो वुड पेकर क्यों हो? ये बंदा कंफ्यूज है, इसे साफ साफ बताओ मेरे बारे में। शो दिखाता हूँ। एक्शन। साहब जी, ये जो मेरे डायरेक्टर है ना, ये कादीपली में नंगे पैर घूम रहा था। अरे पैसे भले क्यों ना हो, पिछले कई सालों से भाषी पाव भाजी खाकर, असिस्टेंट डायरेक्टर के जूते खाकर, जूनियर आर्टिस्टों से गालियां सुनकर, प्रोड्यूसरों को मस्का मारकर, सभी प्रोडक्शन बॉयज के तलवे चाटकर, हीरोइनों से मार खाकर, पिछले कई सालों से फिल्मिस्तान स्टूडियो में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन क्या हो पता है आपको? इसने एक फाइनेंसर की बेटी को अपने जाल में फंस लिया। फिर इसने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करके हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा और उसे मीठे मीठे सपने दिखा के उसकी इज्जत के साथ इसने ऐसा खिलवाड़ किया। और यही बायोडाटा है मेरे इस घोंचू डायरेक्टर का। मतलब दोनों फुटपाथी हो। अच्छा डायरेक्टर, ये जो 4905 कार किसकी है? एक सेकंड पहले मैं डायरेक्टर था, एक ही डायलॉग से मुझे पार्किंग बॉय बना दिया। ओवर फीलिंग नहीं भिड़ो। अरे उस कार के साथ अपन का जो इंसिडेंट हुआ, अगर उसे तू सुनेगा तो इंस्पायर होकर शाहरुख को लेकर फिल्म बनाओगे। कार से तो एक्सीडेंट ही होता है, इंसिडेंट कहाँ होता है बड़ा? मजाक सूझ रहा है, बड़ी लाजवाब डिक्की थी। ऐसी बात है क्या? सर, आपने जो घटना बताई है उसे सुनकर लोग थिएटर में तालियां बजाएंगे। इस दुनिया में ऐसे दो ही लोग हैं। कौन है वो दोनों? पहला स्पीलबर्ग और दूसरा बॉलीवुड बादशाह। तेरा टांग अड़ाना जरूरी है। सर, आपने जो कहानी बताई है उस कहानी की पिक्चर बना के, आपके और उस लड़की के बीच जो कुछ भी होता है उसका अच्छा से अच्छा सीन बना के और उस फिल्म का डायरेक्शन करके अमिताभ के हाथों से फिल्म फेयर अवार्ड लूंगा। फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, ऑस्कर अवार्ड। टांग खींचना छोड़ के उस कार। अभी जाना था। इसी वक्त प्रोड्यूसर से बोल के उसे मेरे कमरे से निकालना होगा, नहीं तो मेरी क्रिएटिविटी पे उसका असर पड़ेगा। अबे चल कहानी के बारे में सोचते हैं। अबे हाँ दादा, जब से आया दिमाग चाट रहा है, क्या इरादा है तुम्हारा? मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मैं फ्लॉप डायरेक्टर हूँ? आखिर चाहता क्या है तू? टेंशन मत लो, जरा उस फोटो को देखो। हमारे प्रोड्यूसर की बेटी के बगल में जो लड़की है वो मलकाए हुस्न है। सिनेमा हॉल में वो रहेगी, पोस्टर को ही अवार्ड मिलेंगे। वो मोटे चश्मे वाली और ये फोटो वाली दोनों एक ही है। तुम्हें वो कैसी लगती है? कौन बुढ़िया? टांग खींचना जरूरी है। मुंह बंद करते हो या नहीं? थोड़ा सरकेंगे क्या? चश्मे के बिना तुम देख नहीं सकती। टोटल ब्लर, अंधेरा ही अंधेरा। नाइट इफेक्ट है। असल में इस मोटे चश्मे में क्या लाजवाब लग रही है ना? एकदम लाजवाब है।
कद्दू सा सर, हाथी जैसा शरीर, लकड़ी जैसे पाँव। इनके बॉडी को आप मेरे पैरों के साथ जोड़ रही हैं। मेरा सारा नशा उतर गया, टांग खींचना छोड़ दे। हाँ, हाँ मिस्टर बर्ग। यस। छोटी उम्र में इसकी आंखें खराब हो गई, अपन को बहुत फील हो रहा है। टू अस्ट। तुम्हारी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। क्यों गुस्सा हो रही हो? बात यह है कि बात तो समझ गई। यहाँ रोमियो बनके लड़कियों को लाइन मारने के लिए आए हो। हम रोमियो जूलियट को ही लाइन मारते हैं, तुम जैसी बूढ़ी को नहीं। अरे डिस्कशन क्या करना है, चले हटो, जाना है। नहीं हटेंगे तो हम हटा देंगे। ए, 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 क्या है? कुछ लोग कपूर हमसे रोशनी खरीदते हैं, ये चश्मे की दुकान से खरीदती है, हीरोइन का लायक ही नहीं है। तू क्यों टेंशन ले रहा है, तुझे हीरोइन चाहिए ना? तो मुझे क्या करना होगा? फॉलो मी। कट टू समय शॉट। ओके। मेरे खाबों में जो आए मुझे छेड़ जाए। अरे उनसे कहो जरा सामने तो आए। होता कंफ्यूजिंग तभी से यार। अरे यूलू का पता कैसे हो गया? नहीं। हाथ लगा रहा है। उल्लू, उसके हाथ लगाने से पहले तू मर जाएगा। कौन? मेरे सामने कोई तो है, शराफत से बताओ कौन है। अंकल, पड़ोसों को बुला रही है। अंकल, अंकल। अरे कमीने, कहाँ भागता है तू? अभी तेरी खबर लेता हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? यहाँ कोई कमीना छेड़ रहा था मुझे। अच्छा, कौन है वो, क्या किया? उसने मेरी कमर पे हाथ रखा, रखने की कोशिश की। ओ, और फिर? और होठों को छूने, होठों को छू लिया, कोशिश की। ओ, ओके ओके, उसके बाद? उसने अपने गंदे हाथों से इस तरह। हाँ, इस तरह। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ, तुम देख तो नहीं सकती, लेकिन ऐसा बोल रही हो जैसे तुमने अपनी दोनों आँखों से देख लिया उसे। मैंने अपने आँखों से नहीं, सिक्स सेंस से देखा है। क्या? सुना नहीं, आँखों से नहीं, सिक्स सेंस से देखा है। सेंस कह रही है, वो तो तुम्हें नहीं है। तुझमें है क्या? होता तो मैं तुम्हें साथ में रखता क्या? तुम चश्मे के बिना बहुत सुंदर लगती हो, पता है? सो तो है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर अंधी बन के रहूं। हाँ हाँ, सही कहा, लेकिन चश्मे में तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मारुति 800 में वॉल्वो का शीशा। खैर, ये बताओ, सर्विसिंग करने का इरादा नहीं है? मेरा मतलब है तुम नाने के लिए जा रही हो ना? सो तो है। ठीक है, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम महफूज रहोगी। आखिर अपुन ने तुम्हें सर्विस सेंटर पहुँचा ही दिया। चलो मुड़ो। सुनो, तुम्हारे राइट में ठंडा पानी है और सामने गर्म पानी है। विश यू हैप्पी सर्विसिंग। अब यहाँ से जाओ। मैं दरवाजा बंद करके जाता हूँ। क्या कर रहा होगा? तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बाहर जाओ। आई, तुम अच्छी तरह देख सकती हो। तुम्हारी बॉडी स्प्रे से समझ गई तुम यहीं पर हो। छी, तुम सब लड़के की टाइप के हो, इडियट। सुंदर लड़की को देखते ही परेशान करने लगते हो, गेट आउट। ओह, गाड़ी बहुत गर्म हो गई है, झट से कूल हो जाओ माय डियर। छी, ये सीन मस्त है, समझ में ना आए तो हम उसे पूछ लेंगे, और बाथरूम सीन बच गया। कट। तुम्हें कट के अलावा और आता ही क्या है? तेरे मन की बात मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी फिल्म ऐसी कोई सी नहीं है, आई बात समझ में? कुछ देखा क्या? बात समझ में आई? ये भी डायरेक्टर है क्या? क्या बोले बाबू, तू भी कोई डायरेक्टर है क्या? मस्त है ना? कहाँ रहती है? गांव में रहती है। गांव? हाँ, गांव में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। हाँ चलिए।
से। कहीं हम उनके पास फंस गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कहती हूँ मेन ऑफ करो। अगर उसी को मारेंगे तो सबको डाउट होगा। इस बंदे के साथ अगर हम उन दोनों नमूनों को भी पकड़ लेंगे फिर देखना इस खेल का मजा ही कुछ और होगा। अरे बेटी क्या हुआ? अरे बंद कर गाना। कौन है बे? इस तरह चिल्ला क्यों रही थी? अंधेरे में मैं घबरा गई अंकल। अरे सुनो रजनी बाला से मैं दिन में डरता हूँ तो क्या रात में सोता नहीं मैं? अरे ओ कंजू। क्या है? अचानक बिजली चली गई है तो जनरेटर का इंतजाम करना। इसका बस चले तो यहाँ पावर प्लांट लगवा देगी। क्यों री तू चिल्ला क्यों रही थी? किसी ने मुझे कस के पकड़ लिया। जरूर तुझे उसी ने पकड़ा होगा। मेरी बात छोड़ो तू क्यों चिल्ला रही थी? मेरा भी तेरे जैसा ही हाल है। अंधेरे में चेहरा तो नहीं दिखा पर उसका साइज था ना काफी मोटा था। तुझे साइज का कैसे पता चला? बाहों में लिया था ना उसने। चुप करो तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन अपनी बात किसको बताऊंगी? क्यों मैडम आपको किसी ने बाहों में नहीं भरा? भरना तो चाहता था मेरे पाँव पकड़ के रिक्वेस्ट भी कर रहा था। अगर उसने पाँव पकड़ा है तो डेफिनेटली वो बोना ही रहा होगा। इस रोमियो से मैं निपटती हूँ।
सारा बदन टूट रहा है। मैं यहाँ कैसे आई? अच्छा, ये भी नहीं जानती तेरी नाजुक कलाइयों ने आपुन की कलाई पकड़कर यहाँ तक खींच लाया, और तुम पूछ रही हो मैं यहाँ कैसे आई? हिलना बंद करो, क्या मैं पागल लगती हूँ? पार्टी छोड़ के तुम्हें यहाँ क्यों लाऊंगी मैं? जब अपन डांस कर रहा था तो तू अपन के पास आई और कहने लगे कि तुम मुझसे भी सुंदर हो। वो कौन है? वहाँ देखो, वही चांद। तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए हैं। सेम टू सेम, ऐसा ही झटका लगा था। अपन सुंदर है ये साबित करने के लिए अपन को तू यहाँ लेके आई। अब बताओ तुम, वो चांद ज्यादा सुंदर है या फिर ये शिवा? बोलो, वो है या अपन? प्लीज धीरे, नहीं तो कोई आ जाएगा। आने दो, जब तक अपन को जवाब नहीं मिलेगा वो चांद सुंदर है या अपन, अपन चुपचाप नहीं रहेगा। उस चंदा से भी तुम बहुत सुंदर हो। ठीक से देख रही हो ना? देख तो रही हूँ, चांद में बड़ा दाग भी है। सच बताऊँ तुम्हें, वैसे चांद भी तुम्हारी सुंदरता के सामने बिल्कुल फीका है मैडम। विदाउट स्पेक्स ये आँखें और भी खूबसूरत है। जी चाहता है कि तुम्हारी इन आँखों में खो जाऊँ। ओके, अनजाने में मैंने उस दिन स्लिप में कुछ लिख दिया था, इसलिए उससे बचने के लिए ही अंधी बनकर सामने आ गई। जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। I'm very sorry. अब तो बताओ मैं यहाँ कैसे आई? कोई तुम्हें किडनैप करना चाहता है। क्या? मुझे यकीन नहीं। फिर डांस करते करते तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम्हारा खेल होगा। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें डांस के टाइम क्या हुआ, जरा सोच के देखो। मुझे क्यों किडनैप करना चाहते थे? कौन थे वो लोग? वो मैं नहीं जानता हूँ। तुम भरोसा करो या ना करो, बस मुझे छोड़ दो। See you, bye. शिवा, क्या है? We are friends. अपुन से दोस्ती मत करना, फिर अक्का जिंदगी रोती रहोगी। अपुन एक कुवारा और तू एक कुवारी, दोनों शादी में आए हैं ना कि दोस्ती करने। लेकिन क्या करूँ, वक्त ने हम दोनों को और करीब ला दिया। वहाँ लिली की शादी होती है और हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड चली जाती है, और हम भी अलग हो जाएंगे, पर दिल से नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिल में मोहब्बत की चिंगारी जो भड़क गई है, दिल में उन यादों को लेकर घर पहुंचते हैं, और वहाँ तुम्हारी याद में पागल हो जाता हूँ, और वहाँ तुम मेरी यादों को सीने से लगाकर सारी जिंदगी जलबीन मछली की तरह तड़पती रहोगी। ये बीमारी सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, इस जहाँ में जितने भी कुमारी और कुवारे हैं वो सबके सब इस बीमारी के शिकार हैं। किरण, ऐसी बीमारी चाहिए तुम्हें? दरअसल अपन एकदम बिंदास टाइप का है, इसीलिए अभी बोल देता है कि अपन तेरे लिए हू आर यू और तू अपन के लिए हू आर यू। राइट, ओके, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।
बाप रे, यहाँ स्विमिंग पूल में इतनी सारी लड़कियों को देख के ऐसा लग रहा है कि अगली फिल्म अंडर वाटर में ही शूट करनी होगी। और फिल्म का मैंने नाम भी सोच लिया है, ब्लू पार्ट 2। तुम दोनों को फॉलो कर। सर, आपने जो कहानी बताई है उससे इंस्पायर होकर मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपने पूरी कहानी तो मुझे बताई नहीं। कल अगर प्रोड्यूसर पूछेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, बताइए। इसे स्टार्ट और कट के सिवा कुछ भी नहीं मालूम। कब आप में हड्डी मत बन। आपका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। हे, लव स्टोरी में जितना ज्यादा फासला होगा तो लवर्स दिया और बाती। बाती कहाँ है? वहाँ देख। हाय। ब्लॉक मिल गया यार, कम ऑन। कहानी में जान आ गई है। मजा आ गया। हाय शिवा। सुनो भाई, फोटो खींचने के लिए भागे चले आए, रेट तो बताओ। 350 रुपया फिक्स रेट। भाई, बुढ़िया को लेकर मैं कोने में जाता हूँ, रेट कम कर दो ना। ना मुराद, यहाँ भी कंजूसी कर रहा है। तू फोटो खींच, तू खींच खींच। ठीक है, खींचो। और भी कोई बाकी है क्या? मैं भी हूँ। आजा 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 आजा। 350 रेडी। इतना भाव क्यों खा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? ए, तमीज से पेश आओ। एक दूंगी ना। तुम अपने आप को शाहरुख खान समझते हो क्या? कि सभी लड़कियां तुम्हारे पीछे पीछे भागे, चर भी चढ़ गई है तुम्हें। मुझे कुछ बोलो मत, मैं तुम्हारे नखरे वखरे सह लूंगी। कोई दूसरी लड़की होती ना। ओपन प्लेस में ऐसे करना ठीक नहीं है, तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हें मार भी दूंगी तो पाप नहीं लगेगा। जिस तरह मेरे फ्रेंड से तुम्हारी दोस्ती हुई, उसी तरह मेरी भी हुई। उनसे तो घुल मिल के रहते हो, मुझसे दूर क्यों जाते हो तुम? ओए। बोला था ना, हम शादी में आए हैं और हमें एक दूसरे से बहुत दूर रहना होगा। क्या तुम इसी तरह हर लड़कियों से पेश आते हो या सिर्फ मुझसे ही? देखो, तुम्हारी तरह इनडायरेक्टली बात करना नहीं जानती मैं। मन में कुछ, मुंह में कुछ। अब मैं डायरेक्टली पूछती हूँ, बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? क्या देख रहा है, कहो ना यार। छी, तुम्हारे मन की तरह ही तुम्हारा सर भी कभी हाँ कभी ना कर रहा है। आंखों में देख के बोलो। दिल तो कहता है कि तुम मुझे पसंद हो। अच्छा, किस लिए पसंद हूँ? अभी बता नहीं सकते तो बाद में सोच के बताना मैं तुम्हें किस लिए पसंद हूँ। सही जवाब दिया तो ही मैं तुम्हें अपनाऊंगी। भाई साहब, आप कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो। ये क्या? ये बिल्कुल नहीं बदला। अभी तक नहीं। अरे मेरी लाडली बेटी, पता तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सुना सुना। ये बताओ, कैसी हो तुम? पापा, I'm fine। यहाँ तुम खुश तो हो ना? इससे पहले मैं इतनी खुश कभी नहीं थी डैडी। अच्छा, मैं एक पल भी अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता, तो मेरे दोस्तों से यहाँ भेजा मैंने। कल शाम को चुनरी लेने बाहर चलेंगे। ये क्यों सिग्नल दे रही है? ये क्या बेटी? ये साड़ियाँ लिली के लिए अच्छी रहेंगी ना डैडी? अरे बेटी, ये साड़ी तुम पर फबेगी। सिलेक्शन मेरा और डिसीजन तुम्हारा। लिली के लिए और साड़ी खरीद लेना तुम। क्यों भाई, तुम्हारे मन में जो कहानी उसको खुलासा कैसे करोगे? देख क्या करने वाला हूँ मैं, उसके बाप से जाकर कहूंगा कि अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे। अभी देता हूँ यार। अरे बाप रे, ये तो वक्त से पहले क्लाइमेक्स में चला गया। लिख के दूं क्या? लिख दे। उसके बाद डियर इट कुल
कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला, कुल्लरी कुलाला। ए, कौन है ये लड़का? अरे वही अपने आगरे के चाचा की बात करके हमारी दोस्ती में फूट मत डाल। अरे मैंने बता रही हूँ, बाद में बताऊंगा, अभी जा तू। अरे तू खाम का चेहरा ना जाने को। अरे चुप रहना, बड़ा आया कंजूस कहीं का। कुछ नहीं यार, वो शिवा मेरा भांजा है। सुनो शिवा, जरा ठहरो, यहाँ आओ। अंकल क्या बात है? ये उल्ला रिकुलाला क्या है? फ्रेंच एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। रूम में प्रिपेयर करना छोड़ के इतने लोगों के बीच में क्यों कर रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है अंकल, 10 बार एग्जाम दे चुका हूँ लेकिन एक बार भी पास नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंच वर्ड। वहाँ मेरे एक दोस्त, उसने कहा कि अगर लोगों के बीच में जाकर जो जो से चिल्ला के पढ़ोगे तो जरूर पास हो जाओगे, इसीलिए मैं यहाँ। What is the meaning of fullery kulala? आप अपनी बेटी को जरा मेरे साथ भेज देंगे, मुझे उससे कुछ काम है। What? अंकल अंकल, उस वर्ड का मतलब यही है, मतलब मीनिंग। वर्ड तो बहुत छोटा है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। फ्रेंच में तो ये बहुत छोटा है अंकल, हिंदी में अनुवाद करोगे तो बहुत ही बड़ा होगा, आपके पीए की तरह। तुम्हें वो गुलाब पसंद है? हाँ है। काफी खूबसूरत है ना वो? काफी खूबसूरत है। फिर उसके बगल में जो गेंदे का फूल है वो तुम्हें पसंद है क्या? वो सब तो पसंद है, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया मैं तुम्हें किस लिए पसंद हूँ। किरण वो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये फूल क्यों पसंद है? सुंदर है इसलिए पसंद है। और तुम उससे भी बहुत सुंदर हो। मैं सुंदर हूँ इसलिए तुम मुझे पसंद करते हो? या मान लो कभी पूरी बनाते वक्त गरम तेल मेरे चेहरे पे गिर गया और मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा बदसूरत बन गया तो भी तुम? वैसे फूल तो शाम होते ही मुरझा जाते हैं, तो क्या तुम दूसरे फूलों के पीछे भागोगे? कहीं मेरी खूबसूरती भी ढल गई तो तुम दूसरी लड़की के पीछे नहीं भागोगे, इसकी क्या गारंटी है? आंखों को जो पसंद है वो प्यार नहीं है। अगर कहीं तुम मेरी खूबसूरती से प्यार करते हो तो वो प्यार मुझे नहीं चाहिए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ठीक कहा। तुम बड़े भोले लगते हो, इसलिए एक और मौका दे देती हूँ, किसी तरह मेरे दिल को खुश कर दो ना तुम। क्या बातें हो रही थी? उसके माँ बाप कौन है? कहाँ रहता है वो? ये सब नहीं जानती हो ना तुम? नहीं जानती डैडी। कुछ जाने बिना तुमने एक और चांस दे दिया उसे। अच्छा, एक बेटे के ऐसे से अपने बाप के सवालों का जवाब दो तुम, और समझ लो तुम्हारे जवाब से मैं खुश हो भी गया तो तुम्हारा सिलेक्शन खरा है। डरो मत, बोलो। आपने ही कहा था ना डैडी, सिलेक्शन तुम करो, डिसीजन मैं लूंगा। वो कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरा है ये जानती हूँ। अनजाने में ही मैं उसकी ओर खींचती जा रही हूँ डैडी। 24 साल आपने मुझे नाजों से पाला है डैडी, लेकिन 24 सेकेंड जब वो मेरे साथ रहता है तो मुझे अजीब सी खुशी होती है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो किसी और सुंदर लड़की के पीछे नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास है मुझे। यदि वो इसमें खरा निकला तो आपके डिसीजन का वेट नहीं करूंगी मैं। नहीं, बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। ये दोनों एक ही हैं। ऐसे आदमी को तो मैंने बगदाद में भी नहीं देखा, स्कॉटलैंड की पुलिस भी इसे अरेस्ट नहीं कर सकती। अरे मारते क्यों हो? ना पहचानने पर वो मारता है, पहचानने पर आप मारते हैं। आपके घर से 1500 करोड़ रुपए चुराने वाला वही है। ऐसा चला बुझा किसी तरह हम कमा सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी का दिल चुराया उसने, अब आप क्या करेंगे बोलिए? क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच है। वाह, मैंने जिस होम मिनिस्टर के घर में डाका डाला
और तुमने उसी की बेटी के साथ मेरा रिश्ता जोड़कर मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बाप दुश्मन तो बेटी दोस्त। अनजाने में मैं किरण को चाहने लगा। आज मैं किरण को असलियत बताकर ही रहूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। Hey, तुम्हें अपना दोस्त समझ के मैंने अपनी बेटी को यहाँ भेजा और तुमने मुझे ये सिला दिया? उसने मेरे घर में डाका डाला, मुझे उसका कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बेटी उसके जाल में फंस गई। मेरे डिसीजन को ठुकरा कर आज मेरी बेटी से शादी करने पर तुली हुई है। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे लड़के फैशन टीवी देखते। तिजोरी में गहने हैं या नहीं देखते? क्यों बे, ये कहानी कहीं और जा रही है। ये पिए रॉन्ग फ्रेम सेट करके अगर हमें उसका दोस्त पता दिया तो हम पूरी तरह फंस जाएंगे। फिल्म कैंसिल। जवाब दे, मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? ओए, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू मेरा जिगरी दोस्त निकला, वरना शादी के मंडप से तेरी अर्थी निकलते। शादी में इस तरह की अशुभ बातें नहीं किया करते। ओए बुढ़िया, मुंह बंद कर। अरे तुझे सम्मान क्या दिया? तो अपने चोर पोते के साथ मिलकर मेरी बेटी को ही जाल में फंसा लिया। ये बता, मेरे घर से जो करोड़ों रुपए चुराए थे उसमें से तुम्हें कितना कमीशन मिला? बेटा, तुम्हें देखे मुझे 30 बरस से भी ऊपर हो गए। मरने से पहले तुम सबसे मिल लो इसी इच्छा से यहाँ आई हूँ। मैं तो बस चंद दिनों की मेहमान हूँ, कमीशन के पैसे लेकर ऊपर जाऊंगी क्या? मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज तो क्या करूं? तेरी पूजा करूँ मैं? ये नाटक वाटक बंद करके ये बताओ, वो चोर कहाँ गया? हाथ नीचे रख वरना काट के रख दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें बाएं हाथ से ही खाना होगा। क्यों मम्मी, तुम्हारे गहने ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। होम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक चोर हूं। मैंने तुमसे झूठी बोला था, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने इस घर में चोरी नहीं की। किरण, ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मेरा बैड लक उससे पहले ही तुम्हें पता हो गया। सो अब बताओ किरण, तुम मुझे क्यों पसंद हो? उसका जवाब अब भी जानना चाहोगी? बोलो। इस चोर के मुंह पे थप्पड़ मार के से यहां से भगा दे बेटे। जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोला कर। बोलो किरण। क्या हुआ? 4 किलोमीटर का स्टैमिना रखने वाला इतनी जल्दी सरेंडर हो गया? क्या बताऊं सर, अगर वो मेरे जवाब सुन लेती तो 200 किलोमीटर भी दौड़ता मैं। नो वे, इसीलिए सरेंडर होना पड़ा। कम ऑन, लेट्स गो। कहां जाने की तैयारी कर रही हो तुम? दुबई में मेरी फ्रेंड रूपा है ना, वो मुझे बुला रही है, इसलिए उसके पास जा रही हूँ। और शिवा की यादें तुम्हें सता रही होगी? छे, उसकी यादों को मैं अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। हेलो, तंग मत करो, आई एम ऑलरेडी ऑन द वे टू एयरपोर्ट, तो वहां के रिसीव करना। बाय। हेलो शुक्र भाई, मिनिस्टर की बेटी दुबई के लिए रवाना हो चुकी है। हाय, हाय किरण, हाउ आर यू? कम फाइन। गाड़ी कहाँ है? यहीं पर है। ओके, करीना और करिश्मा को साथ ले आती तो अच्छा होता। हाँ। Thank you.
क्यों जी? जैसे आप जेल में और ये आपसे मिलने वैसी एक्टिंग कर रहे हैं। प्यार के मुकाबले पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, पत्ते खेल के भी जी सकते हैं। पत्ता खेलना नहीं आता ना? मैं ताश के पत्तों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बेटी के भविष्य के बारे में थोड़ा सोचो बोल रहा हूँ। वीर सिंह को मारते वक्त ऐसे ही फील हुआ था क्या? उसे मारते वक्त मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन जब तुमने मुझे मारा तो बहुत फील हुआ फाइनेंशियली। अरे देश में बहुत कुछ हो रहा है, अगर इनकी लड़की को किसी ने उठा लिया तो अपन क्यों जेल से बचाने के लिए? देखा बबुआ, करण शौक लगे कौवे की तरह कैसे हो गए हैं ये बात नहीं है बेटा, तुमने इनकी बेटी से प्यार किया है इसलिए माता की कृपा से। वो पैसा तुमने कहाँ छुपाया मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर अपन ने बता दिया तो सीधा जाके वो पैसा माफिया लीडर को देगा और अपनी बेटी को छुड़ा लाएगा, और उन पैसों से वो हथियार खरीदेगा, बम खरीदेगा, और उससे क्या होगा, ब्लास्ट होगा और टेररिज्म बढ़ेगा। ये सब जरूरी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। तो अपन नहीं बताएगा? हे भगवान, इस बालक में थोड़ी सी भी फीलिंग क्यों नहीं आती? इसके पैर धोकर अपनी बेटी से इसकी शादी करोगे तब भी नहीं सुनेगा। हेलो मिनिस्टर। शुक्र हेलो शुक्र, मेरे आदमियों को और जो तूने मेरे पैसे सीज किए हैं वो मुझे फौरन वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। मैं कितना बड़ा नोटोरियस हूँ ये तुम जानते हो। शुक्र, मेरी बेटी को कुछ मत करना, शुक्र प्लीज। सर, सर, मैं उससे बात करता हूँ, मुझे दीजिए प्लीज। हेलो, बोलो कमिश्नर। तुम्हारा पैसा अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अरेंज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे आदमियों को छोड़ने में ही है। चार जने अलग अलग स्टेट्स में हैं, वहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी रूल करती हैं, स्टेट्स की एक पार्टी, सेंट्रल की एक पार्टी, इन सबको एक साथ बैठाकर बात करके कन्विंस करने में मिनिमम 30 डेज 30 दिनों की मोहलत चाहिए। जरा मिनिस्टर को फोन दो। सर हेलो, तुम्हें मैं 30 दिन की मोहलत देता हूँ, मेरी डिमांड अगर फुलफिल नहीं हुई तो 30वें दिन हैदराबाद एयरपोर्ट पर आकर अपनी बेटी की डेड बॉडी रिसीव कर लेना। तुम्हारी बेटी का काउंटडाउन इसी पल से शुरू होता है। 30 दिन का टाइम दिया ला है। और इसी बीच यहाँ का होम मिनिस्टर भी बदल सकता है, क्यों नहीं, और गवर्नर भी बदल सकता है। हाँ? और फिर शुक्र अहमद भी बदल सकता है इनकी बेटी की चढ़ती जवानी देख। खुदा ना करे बेटा, कहीं इनकी लड़की उसके ड्राइवर से शादी करके वहीं सेटल हो गई तो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी वापस आए तो ये काम सिर्फ यही कर सकता है। मैं होम मिनिस्टर हूँ और मेरे इशारे पर सारी पुलिस फोर्स यहाँ पहुँचेगी, और उस पुलिस फोर्स के सामने ये कमीना कुछ भी नहीं है, बच्चा है। बच्चा बच्चा जरूर है पर बहुत इंटेलिजेंट है, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्रिमिनल ही चाहिए और ये इंटेलिजेंट क्रिमिनल है। सर जरा सोचिए, आपके घर से 500 करोड़ रुपए ये ले गया, किसी को उसकी भनक तक इसने नहीं लगने दी, इतने आराम से वो रुपए निकाल ले गया। सर इससे पता चलता है ये कितना इंटेलिजेंट है। सर आपकी बेटी को उसके चंगुल से बस यही बचा के ला सकता है। He is the only one. He can do it, sir. He can do it. और शुक्र की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। उसकी डिटेल्स अपन के भेजे में। Less luggage, more comfortable. अच्छा? Yes. इस फाइल को अपनी वाली टैंक में मत छुपाना वरना भीग जाएगी। अब जी सर, सही फरमा रहे हैं। Be careful, Shiva. All the best. Thank you, sir. Bye. Okay, bye. Oh, bye, bye. दिल की धड़कनों में तू, सांसों की सरगम में तू, इन फिजाओं की खुशबू में भी है तू। जवानी दे 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 मुझको मोहब्बत की कोई निशानी, दे दूं तेरे होठों पे निशानी। हाँ जान जा मुझको अपना तरसा, मेरी जा बाहों में आ जा, तुझे है प्यार मुझसे कितना बता जा, दुनिया को बता जा। किया है तुझसे मैंने जो प्यार, समाने की मुझे क्या परवाह, निगाहों में बसा है बस तू नजर, कुछ और नहीं आता। दिल की धड़कनों में सांसों की सरगम में तू, इन फिजाओं की खुशबू में भी है तू। मेरी आंख का काज तू, मेरे प्यार में पागल तू, मेरे हर हदा का दीवाना तू। दिल
ना ये जवानी, तेरे सपने मैं देखूं तेरी डोली और कोई ले जाए। तू मेरे सपन का है राजा, लेके आ जा तू ही बाजा, मेरी धड़कन में तू ही बसता है, कोई कैसे आके बस जाए। बताते सारी दुनिया को हम किया है प्यार, हमने हमदम अब चाहे रोक ले जमाना। किया है तुझसे मैंने जो प्यार, समाने की मुझे क्या परवाह, निगाहों में बसा है बस तू, नजर कुछ और नहीं आता। दिल की धड़कनों में तू, सांसों की सरगम में तू, इन फिजाओं की खुशबू में भी है तू। अब चले क्या? हाँ चलिए। सर 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 सर, उसे रोकिए सर। किस लिए? ये उस माफिया डांस से भी डेंजरस है, ये आपकी बेटी का 2 किलो वजन बढ़ा के लाएगा। शुक्र की चंगुल से बच के आने की खुशी में 2 किलो वजन बढ़ेगा? वजन बढ़ने का मतलब शरीर बढ़ना नहीं सर, पेट बढ़ेगा। अगर मेरी बेटी फैसला लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। आइंदा इसी बातें की तो जबान काट के रख दूंगा, माइंड इट। ईमानदार माफिया हूं, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा किया है कि वह मेरी डिमांड फुलफिल करेंगे। मैंने भी वादा किया है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वादे से मुकरे तो अंजाम बुरा होगा। डोंट गेट अपसेट, डरने की जरूरत नहीं, बी कंफर्टेबल। हे सुनो, शिफ्ट द रूम एंड क्लीन द डस्ट फास्टर। सत्या, अबे अभी कहाँ हो तुम? हेलो ए, ज्यादा शान पट्टी नहीं। हाँ समझ गया। ओ सत्या, कहाँ है तू? इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? कौन है ये नौजवान? नमस्ते भाभी जी। तुम्हारा इतना सुंदर भाई है, तुमने बताया ही नहीं। वो क्या है कि बचपन में कुंभ मेले में जैसे भाई बिछड़ जाते हैं ना, बड़े प्यार से इसको लेके आया हूँ, बाहर मिला था। इनकी बातों पर तुम मत जाना, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे पूछ लेना। वेजिटेरियन हो या नॉन? बहुत तो वज है, अंदर से पूरा नॉन वेज है। हाँ। अरे जल्दी जा, अंदर जा, जाके जूस लेके आ, जाओ।
मुझे जब गुस्सा आता है मैं क्या करती हूँ जानते हो? जानता हूँ, लोहे का सरिया गर्म करके उसे ऐसी जगह लगाओगे जहाँ मैं दवाई भी नहीं लगा सकता। इसीलिए मेंढक की तरह चलते हो। राइट, तुम अंदर जाओ ना। अरे जाओ ना भाग्यवान, अंदर जाओ, तुम हमारी जिंदगी बंदगी हो, जाओ ना। हाँ या 70-75 या आई गॉट इट। सचिन तेंदुलकर सेंसेशन बना लेगा आज। भाई विकेट गिर गया, रेट क्या बताऊं? पहले क्या बताया था? 1994 60-40 बोल दो। जलील भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है? क्या रेट है? 60-40। किस टीम पे लगाएं फायदा है? इंडिया की टीम पे लगाओ। इंडिया की टीम पर 2,00,000 लगा दो। ठीक है साहब। ओके। दिस इज कॉल्ड बैटिंग यू नो। अरे इसी को क्रिकेट बैटिंग कहते हैं। हाँ अभी हमने जो बैटिंग किया है ना, अगर हम जीत गए तो 20,000 हमको मिलेगा। कहीं तेरी जीत के बाद उन्होंने बोर्ड बदल दिया तो? अरे हमने किससे बैटिंग किया तुम जानते हो? माफिया डॉन शुकुर अहमद से। हम जीत गए तो पैसा को फूलों में रख लेके आएगा। कहीं तुमने पैसा नहीं दिया तो? उन्हीं फूलों को हमारी लाश में डालकर पैसा लूट के ले जाएगा। अरे वाह, मार छक्का। मेरा सोना तेंदुलकर है, हम अभी आता हूँ, तू खूब मारो चौके छक्के। हाँ हेलो। हेलो हाँ जलील भाई सलाम अलैकुम। बोलिए। रेट कितना है? 60,000। हाँ ठीक है, बांग्लादेश पे 1 करोड़ लगा दो। दिमाग खराब हो गया? अरे वो छोड़ो यार, तुमसे जो कहा तुम सिर्फ वही करना। मैच खत्म होने के बाद पैसा मिलेगा ना, कंफर्म करो क्या? ठीक। Go find it. I live with Anthony Gonsalves. Gonsalves. अरे धक धक करने लगा Anthony Gonsalves. Yeah. La la la. You know I'm a slumdog millionaire baby. Yeah yeah yeah. मुबारक भाई, 20,000 plus. 99,80,000 minus. बांग्लादेश हार गया है। Do you understand? मैंने तो इंडिया पे बेट लगाया था ना भाई। जब 1 रन बचा था तब तुमने 1 करोड़ का बेट लगाया ना? हमने? फिर हमने? सुबह डकरोट के पास आके मिलना तुम। शुक्र भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। आई बात समझ में? तेरे की क्यों बन गई? नहीं भाई। भैया तुम कौन हो हम नहीं जानते, कहाँ से आए हम नहीं जानते, हमारा रिश्ता कहाँ है वो भी नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं, तुमने हमें जानबूझकर उसमें फंसाया है ना। क्यों भैया? वहाँ दीवार पर तुम्हारी दादी माँ जो है ना, उनके खाते। हमारी दादी माँ तुम्हें कैसे मालूम? डिटेल में बताऊंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। उस वक्त इंडिया के फ्लाइट मिस हो जाएगी। जाओ इंडिया जाके दादी माँ का ख्याल रखना। ठीक है, लेकिन तुम भी कहीं भाग जाओ। अपन कहीं नहीं जाएगा। अरे वो आ जाएंगे तो मार डालेंगे। शुक्र के गैंग में शामिल होने के लिए ही अपन ने बेट लगाया। अरे किस लिए? अरे अपन शुक्र के लिए काम करेगा। हा? Close the business and clean the dust. Last over में जब 1 करोड़ की बेट लगाई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। चलो अब बताओ मुझसे मिलने क्यों आए?
क्यों मैं खुद बताऊं? Go get yourself. मैंने अपने 30 साल के इंटरनेशनल माफिया कैरियर में मेरे सामने खड़े रहने वाले हर एक की आंखों में सिर्फ खौफ देखा, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी नहीं देखा. फॉर द फर्स्ट टाइम तुम मैं देख रहा हूं, मैं छोटी सी बात पर भी बहुत गौर किया करता हूं. मुझे देखकर न डरने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता. Stop! Stop! I say stop! कोई शूट नहीं करेगा. Keep the guns down. अब लगाना झटका. बहुत भाषण दे रहा था ना तू, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए. मैंने जिंदगी में बहुत से मजनुओं को देखा है. हाँ, तुम्हारे रिस्क लेते ही मैं समझ गया कि तुम इससे प्यार करते हो. यहाँ तो तू महफूज रहेगा, लेकिन वहां क्यों रे? पेट में मारा तो दिमाग में असर पड़ गया. तू उसूलों को भूल सकता है, लेकिन अपन कभी नहीं. तुम छोटी सी बात पर भी बहुत गौर करते हो, पर अपन बड़ी बात पर भी गौर नहीं करता है. अब शराफत से उस लड़की का पासपोर्ट दे दो, वरना इसका पिन खोल दूंगा. गेम स्टार्ट करें क्या? दौड़ना जानते हो? क्या है? उस दिन मैंने तुमसे पूछा मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ, तो तुमने कहा मैं खूबसूरत हूँ इसलिए. मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाई. तुमने कहा एक और चांस दो, मैंने दे दिया. अब सीरियसली बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? जवाब चाहिए या और कुछ? तुम क्यों पसंद हो इस बात पर सोचने लगो तो 10 बरस बीत जाएंगे. तब तक तुम बूढ़ी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और हम दोनों हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाते रहेंगे. यानी तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आए? अपुन के लिए आया हूँ. तेरे बाप ने अपुन को बुला के कहा, बेटे शिवा तुझे मैं सारे केस से बरी कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी बेटी को सुकुर भाई के चंगुल से बचाना होगा. फिर क्या, इन पाँव में पड़कर होम मिनिस्टर साहब बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगे तो अपुन को तरस आ गया. इसलिए तुम्हें यहाँ से पार्सल करके फिर एक खूबसूरत लड़की को जीवन साथी बना के सारी जिंदगी मजे से जीऊंगा. 24 घंटे खाऊंगा पीऊंगा और सोते रहूंगा. तुम्हें खाने पीने और सोने के सिवा और कुछ सोचता नहीं है क्या? जिसके पास काम नहीं है उसका तो यही काम है. छह, सब मर्द एक जैसे होते. अच्छा, तुम तो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागते हो, कभी उनके मन को समझाए क्या? मन की खिड़की खोलो, अपन जरूर बेशरम करेंगे. मेरे पापा तुम्हें इस केस से बरी करेंगे कहा, तभी तुम यहाँ आए हो. मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो. एनी डाउट? इस पल से हम दोनों अजनबी हैं. ओके, मुझे सही सलामत पहुँचाना ही तुम्हारा फर्ज है. वही तो कर रहा हूं, यही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. इसे तुम ही रखो. हेलो, अपन तुम्हें लेने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे बैग को. कॉन्ट्रैक्ट में ये बैग नहीं है. वो उस लड़की को लेकर कहाँ गया होगा? उसके इंडिया जाने से पहले हमें एयरपोर्ट जाना होगा. वो यहाँ का एयरपोर्ट बताकर कहीं मस्कत एयरपोर्ट चला गया तो? 48 डिग्री सेंटीग्रेड में 700 किलोमीटर डेजर्ट में सफर करके मस्कत पहुँचना बहुत ही मुश्किल है भाई. इम्पॉसिबल सर. जे मारकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके चला गया वो. पैसे है क्या? आखिर क्यों? सामान जो खरीदे है तुम ही पे करो. कैश नहीं है? कैश नहीं था तो क्यों खरीदा? कैश नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड तो है.
ओहो, ग्रैंडलेज इंटरनेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड, नॉट बैड। ये कार्ड भी चोरी का ही होगा। नो कमन प्लीज, साइन करो। साइन मैं क्यों करूं? कार्ड तुम्हारा जो है। तो मेरे कार्ड से खरीदा तुमने? मैं साइन नहीं करूंगी। साइन ही करेगी तो यही तुमसे शादी कर लेगा। दिमाग खा रहा है ये। हेलो, यहाँ से एयरपोर्ट 700 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 20 दिन लग सकते हैं, इसीलिए ये सब खरीदा। डू यू अंडरस्टैंड? एयरपोर्ट यहाँ से 700 किलोमीटर? सच पूछो तो 10 किलोमीटर भी नहीं होगा। डोंट ट्राई टू चीट मी। तुम्हारे मन में कोई खोट है, इसलिए तुम मेरे करीब आते जा रहे हो। टैक्सी। क्या है भाई, वो लड़के आपके पीछे हैं। क्यों वे मेरे साथ ही मजाक कर रहा है? भाई वो लड़की और लड़का आपके पीछे ही खड़े भाई। नहीं भाई, वो लड़का उस लड़की को लेकर भाग गया। मतलब वो दूसरे एयरपोर्ट जा रहा है, उसे छोड़ना नहीं, देखते ही जान से मार डालना। अब समझ गई ना, दूसरे एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं। तुम्हारा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या किया? वही जो तुमने किया। क्या किया ये तो कहो ना। किस जो किया? हेलो, किस तुमने किया मुझे? मैंने किस किया? ऑफ कोर्स, जोश में होश खोकर तुमने मेरे होठों को डैमेज कर दिया। अगर अपन सही वक्त पर नहीं आता तो तू खल्लास। ए भाई, वन मिनट। किरण वर्मा, लिप्स तो ओरिजिनल है, लिपस्टिक नकली है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, फ्लेवर बदल दो। तेरी जात का बैदा। अफ्रीकन ज़ीब्रा और नाइजीरियन नीग्रो से जन्मा है ये कालिया। उले 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 रामतुल्ला नियमतुल्ला बिस्मिल्ला अब्दुल्ला नसरुल्ला नसरुतुल्ला साबतुल्ला अमानुल्ला टूरिस्टुल्ला टूरिस्टुल्ला। I'm very sorry. Ma esmuki hal tata kalamu aloga alejisa arabia. Main nahi ta ganti. Aina tasku nin hal star ka binti ka bevati ka huna mag mitkara mitan ka. हिंदी वाले हो क्या? हाँ जी। आ तो बताना था ना। मौका कहाँ दिया? You know what is this? You know what is this? This is my chance. This is my power. This is my capacity. देखो इसे, जानते हो कौन है ये? सद्दाम हुसैन। ये मेरे दोस्त है, वो साला बुश का बेटा जॉर्ज बुश, उसने इसे टपका दिया। मैं बर्बाद हो गया। एक और वीआईपी दिखाता हूँ, ठीक से देखो। ये है बिन लाडन, माय क्लोज फ्रेंड। क्या दोनों एक ही थाली में खाते थे? दोनों एक ही पलंग पे सोते थे क्या? वो रात को दूसरे कमरे में सोते थे। ओहो। वो साला जॉर्ज बुश बिन लाडन के पीछे भी पड़ा है। मैं बर्बाद हो गया। जब मेरे इतने बड़े इंटरनेशनल कस्टमर है, तू किस खेत की मूली है रे? तू किस करता है, वो मिक्स करती है? आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है, बताओ ना बताओ। तुम डर गए? हाँ। नो, डरना बिल्कुल मना है। तुम इंडिया से जो कुछ पैसे लाए हो ना, वो मैं किस्तों में एटीएम से निकालूंगा। ज्यादा फीलिंग नहीं, ये बुश की बुलेट तेरी खोपड़ी पार कर जाएगी। नो सर। सच बताओ, ड्राइविंग आती है ना? आपको आती है ना सर? क्यों रे, तू मुझे जिम्बाब्वेन समझता है क्या? जिम्बाब्वे क्या होता है सर? इसे पकड़ो जरा। मुंबई में अपन को दुबई वाला बोलता है, इधर दुबई में अपन को जिम्बाब्वेन बोलता है। जिम्बाब्वे अपन को ड्राइविंग आती है। आपने नाम नहीं बताया इसलिए जिम्बाब्वे बोला। मेरा नाम कसाब, 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 कसाब। अच्छा नाम है ना? आप कसाब के अब्बू हैं? मैं जो कुछ भी हूँ, तुझे उसे क्या लेना देना, आप उनके ताकत के बारे में तुझे अंदाजा नहीं। सच बोलूं तो जिम्बाब्वे के पास बहुत ताकत होती है ना किरण? वो लेडी जिम्बाब्वे तेरी विटनेस है क्या? जी वो। बुश की गोली और तेरी खोपड़ी। नो सर। ड्राइविंग आती है ना? हाँ। तो चल। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए नया कपल स्विट्जरलैंड या ऊटी जाते हैं, वो सब छोड़ के इस रेगिस्तान में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पति ने बच्चे वाली एक पप्पी मांगी और तुम उस पर इस तरह बिगड़ गई।
मेरा पति? क्या तू इसका पति नहीं है? ऐसे करिए लवर्स हो? नहीं, शर्म आ रही मुझे। तुम लवर्स नहीं हो तो फ्रेंड्स हो? चुप रहिए ना। बताओ ना। समझो फ्रेंड्स जैसे ही है। हे राम, इनकी कहानी मेरी समझ से बाहर है। मेरी तो हालत खराब कर दी। दारू लाओ। ये लो। अरे ये तो खाली है। मैंने पी ली यार। क्या तूने पी ली? ये बुश की बुलेट और गई तेरी खोपड़ी। बुश को छोड़ यार, ज्यादा बकबक किया ना तो तुझे भी सदाम के पास भेज दूंगा। कितना अच्छा लग रहा है। काफी दिन ड्राइव करने के बाद अब मुझे आराम मिला है। आहा, 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 मेरी गाड़ी कहाँ गई? साइलेंट लवर्स निद्रा देवी की गोद में लेटे हैं। अब इन दोनों को मैं जगाता हूँ। अभी दिखाता हूँ। ये दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की। गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या चाहिए? वन स्ट्रॉन्ग टी। और तुम्हें? एक हॉलिक्स प्लीज। बस इतना ही। जिम्बाब्वियन जी। निकल बाहर निकल। तू मुझे गाली दे रहा है? मैंने कब गाली दी? क्या गाली नहीं दी? इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो सब मेरी है। तूने कुछ नहीं बोला। नहीं सर, लेकिन जिम्बाब्वे कुछ। क्यों रे, मुझे बाहर फेंक कर तुम लोग आराम से अंदर सो रहे हो। बाहर सोऊंगा तो सांप काटेगा। क्या काटेगा? सांप काटेगा। मुझे नहीं काटेगा। बुश की गोली जब आपके जेब में है तो सांप कैसे काटेगा? वो तो तुम दोनों जानते हो, सांप तो नहीं जानता ना। साला मुझे बेवकूफ बनाने चला। आए ये क्या, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू वहाँ देख रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? बाप रे। अरे ये क्या कर रहे हो? जैकी चैन की तरह उड़ी क्यों मार रहे हो? अरे 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 मेरे बाप। कौन है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ तो बताओ, मेरी हालत।
बाप रे, ये सामान ढोते ढोते मैं तो मर गया। मुझसे और नहीं होगा, पैर बहुत दुख रहे हैं। मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, मैं तो मर गया। और नहीं किरण, संभल के। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बताओ क्या। शू, चुप कर, कहीं दूर से आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ। अरे किसकी आवाज है? अरे रे रे, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुक जा यार, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको यार, कहाँ भाग रहे हो? कहीं मुझके हाथ में पड़ गए तो देने के देने पड़ जाएंगे। चले हमारी ए, फटाफट आ जा, महफिल जमी हुई है। वहाँ उस तब्बू को देख के मैं अपने आपे से बाहर हो गई। Don't get wrong idea. समझ गया, तब्बू के पास जाएंगे ना हम। सबको ही चाहे तुझसे मिलना अकेला। अच्छी जलपरिया है ना? पत्ती सी निकाल दूंगी। सलाम मजा एलकीन, मैं फतल एक अंत लतीफ आप बिंदो विस्की फ्री 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 मंजनी। तुमने उसे क्या बोला? बुलबुल के साथ दारू भी फ्री है क्या? कुछ गलत कहा तो ये घुसेड़ दूंगा। हाल भीम कने एक मोसा आदा थी, लक्षाए जदीद अबातू अबातू आसे पासे। ए, अरे जरा चुप तो रहो, थोड़ा पानी पिला दो प्लीज। यहाँ चुप रहा तो हम लोग सदा के लिए चुप हो जाएंगे, इसीलिए बीच में टांग मत अड़ाओ। वाटर, वाटर है? माफी माफी माफी, विस्की बियर। थ्री बियर। 935। अरे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें थोड़ा जवाब नहीं। ये लो। शिवा, शिवा, ये क्या, पानी के बदले बियर पिला रहे हो तुम? यही पीना होगा नहीं तो मर जाओगी, तू ही डिसाइड कर ले। ये गंगा जल थोड़ी है जो सर पे छिड़कोगी। फ्री बियर, थैंक यू। आज कर ले, आज कर ले। वाकई बियर हाई क्वालिटी का है। पूरी बोतल खाली कर दी। क्या गुड़ है तू? तुझे ही। मुझे क्यों गुड़ है तू? तेरी तो आई हेट मत लोग। क्या कहा? यू हेट मत लोग। Not you. I hate mard log. Understand? You like mard log. मुंह बंद कर यार। You like mard log? No madam. You hate mard log. I hate mard log. We both hate mard log. ये mard log लड़कियों में क्या ढूंढते रे? खूबसूरती। तू चुप बैठना यार। खूबसूरती ढूंढते? छे, ये जो छोटा सा मन है ना, उसके अंदर थोड़ी दूर जाओगे तो कुछ धड़कता है। वो क्या है? वो मन है। तू चुप बैठना मेरे यार। वो मन है, मन मन ए? मन क्या? मन मन मन। वो देखा है तुमने? वो भी तेरा ही कॉन्सेप्ट है ना। वो क्या कॉन्सेप्ट है, बोलो ना। क्या बताऊँ मैं मन के बारे में? देखा क्या? नहीं, चेहरा देखा। फिर क्या हुआ? क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी उम्र 40 हो गई है, इसीलिए इनसे ही काम चला लेता हूँ। तेरा बेटा गर्व हो जाए, तुझे कोई भी लड़की प्यार नहीं करेगी। करेगी? नहीं करेगी। तुझे क्या पता मैं जिम्बाब्वे हूँ? क्या बोला? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। I want one more beer. पी ले। I want only fresh beer. लाना। Oh no. Only fresh beer. अरे वहाँ आ गए। वहाँ, वहाँ। Good boy. वहाँ जाओ। अरे बाप रे। I hate मज़लूम। ये तो उल्टू हो गए।
अरे क्या हुआ, कौन है, कौन है? मेरे परमिशन के बिना किसने मेरे कपड़े बदले? अरे वो अपने ही। अरे ये तो कुछ भी नहीं, रात में जो हुआ बताओ ना। नो यार, उसे बोलना ही बेहतर है। क्या बोलना बेहतर है? कल रात ऐसी क्या बात हुई जिम्बाब्वे, जल्दी बताओ, प्लीज बताओ ना। तुम्हारी कसम मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। बोलो ना जिम्बाब्वे, रात की बात बोलूं या फिर अभी की? अभी की? अभी क्या हुआ? यही हुआ। एक नजर वहाँ भी। अरे बाप रे, मेरे हाथ में कहाँ से हथकड़ी आई? हम लोग बंदी बनाए गए हैं। हम यहाँ पर कैसे आ गए? बोल दूँ? बोलो। बोलूँ क्या? अरे मेरे बाप, बिल्डअप छोड़ो, सच्चाई क्या है बताओ। तेरे बुश के आदमियों ने हमें कैद कर लिया है। प्लीज कुछ करो ना। करना बहुत जरूरी है। अरे वो कह रहे हैं तो तुम कुछ करो ना यार। ए, ये क्या बदतमीजी है? इस टेंशन में भी तेरा मूड कहीं और है, तेरा जवाब नहीं है यार। मूड नहीं है, आइडिया। आई बात समझ में, बेवकूफ जिम्बाब्वे। ये लो अपनी हथकड़ी भी खोल दो। कम ऑन, रेडी, 1, 2, 3। वो नशे में है मानकर तुम लोग रिलैक्स हो गए। साला वो बच के भाग गया। मन तो करता है तुम सबके खोपड़ी उड़ा दूं। Take it. Come on, take it. Shoot me here. भाई, इतनी आसानी से भी अगर तुम गोली चलाने से डरोगे तो उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ा भी तो बच के भाग जाएगा। मैं अपनी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम अपनी ताकत का अंदाजा लगाओ। Stop this business. स्मगलिंग, हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, क्रिकेट बेटिंग, हवाला, वेपन्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, टेररिज्म, ब्लास्टिंग, ये बिजनेस किसी भी देश में करूं मुझे मात देने वाला कोई नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने मात खाई है। सो नो बिजनेस फ्रॉम टुडे। अब एक ही बिजनेस होगा, उसे जिंदा पकड़ना। हेलो मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम तुमने मुझे एक सच्चाई से वाकिफ कराया। इंडिया में भी जाबाज रहते हैं, ये उसे देखकर मैं समझ गया। अब उसे खत्म करके ही फोन करूंगा। उसके साथ साथ तुम्हारी बेटी भी। नो शुक्र, प्लीज तुम उसे कुछ नहीं करोगे। सुनो, तेरे आदमी को मैं सरकार से बोलकर बाइज्जत बरी करवा दूंगा। अगर तूने कानून को अपने हाथ में ले लेते बहुत मुश्किल हो जाएगी। शुक्र, ध्यान से सुनो, मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया है जिसे सांप तो मरेगा लेकिन लाठी नहीं टूटेगी। कैसा आइडिया? उन करोड़ों के बारे में सिर्फ वो शिवा ही जानता है, इसके अलावा किसी को भी पता नहीं है। कहीं उसे कुछ हो गया तो तुम्हें उन पैसों का फूलना पड़ेगा। इसलिए पैसे मिलने तक उसे कुछ मत करो। बट आई वॉन्ट माई डॉटर। प्यार है, तुमने कभी मेरे जज्बात को समझा ही नहीं। तुम जैसे चोर में इंसानियत देखी थी मैंने, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से ही प्यार है। अब तुम में और गली के कुत्ते में क्या फर्क है? तुम खुद को इंसान समझती हो? हाँ बोलो ना। क्यों री, खुद को बहुत खूबसूरत समझती है क्या? इन्हीं आंखों से अपुन ने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी है। एंजेलिन जूली, जूलिया रॉबर्ट, करीना, बिपाशा, इन सबके सामने तो है ही क्या? तू तो उनकी जूती बराबर भी नहीं है।
उन सबको छोड़कर तू जैसे थर्ड क्लास लड़की को अपन ने जो पसंद किया वही अपन की गलती थी। कहीं इस सांप के काटने से तू मर ना जाए इसीलिए अपन यहाँ आया था, ना कि तेरा जिस्म देखने। एक और बात सुन ले तू, इस जहां में अगर कोई तुझे सच्चे दिल से चाहता है तो वो अपन ही है। तुम्हें सही सलामत इंडिया पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और उसके बाद हम दोनों अजनबी होंगे, लेकिन यहाँ इस गली के कुत्ते के साए में तुम महफूज रहेगी। शिवा, I love you, शिवा। इसी जवाब का इंतजार कर रही थी मैं। एक जिम्बाब्वे, हम दोनों के बीच क्या है पता है? अरे कुछ पता नहीं, तुम ही बताओ ना लेडी जिम्बाब्वे। मैं दिया और ये है बाती। बाती, बत्ती जलाओ। यार शिवा, अगर इस कुएं से पानी के बदले पेट्रोल निकला तो कैसा रहेगा? माचिस की तीली जला कर डाली तो क्या निकलेगी? अग्नि। उस अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन तुम दोनों के मन में ऐसा विचार कभी नहीं था? इससे पहले क्या था ये तो बताओ। कभी बुश अटैक, कभी शिवा अटैक, और मुझे हो जाएगा हार्ट अटैक। बेचारा जिम्बाब्वे, इसे बता दे क्या? बात ये है कि वो लोग जिन्होंने हम पर अटैक किया था वो बुश के आदमी नहीं थे। शुक्कूर अहमद के आदमी थे। शुक्कूर अहमद के? अरे रे, वो तो खतरनाक है। उसने मुझ जैसे एक शरीफ इंसान पर अटैक किया, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसने तुम पर अटैक नहीं किया बल्कि हम दोनों पर किया। तुम दोनों पर? भला क्यों शिवा? नहीं समझे, उसने इसका किडनैप किया और अपन उसे मार कर इसे ले आया। आई बात समझ में? दिमाग में जो कुछ भी था टोटल ब्लैंक हो गया। मैं नीचे जाके तुम दोनों के लिए पानी लेके आता हूँ, तुम लोग यहीं रहना। अरे बाप रे, हीरा बापा मोइला। कम कर, क्यों फेंक रहे हो? तू जिंदा है यही देख रहा हूँ। अरे मुझे खोदने दो ना, जल्दी खोद ना। अरे चुप कर। अरे खोद यार। अरे खोद रहा हूँ ना। You want this? तुम्हें भागने का एक और मौका देता हूं। You can run. Very powerful. Take it. No? Are you sure? आज तक मेरे जिस्म पर कभी खरोंच भी नहीं आई। बहुत ताकत है तेरी बाजुओं में। कहाँ छुपा के रखी है करोड़ों की गड्डियां? तुझे बताया तो भी तू टपकाएगा और ना बताया तो भी। वो पैसे जहां भी हैं सही सलामत है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ए, तू इसका बाल भी उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि तूने इसे मारा तो तुझे तेरे गुर्गे और पैसे नहीं मिलेंगे। इस लॉजिक को भूलने वाला तू माफिया लीडर क्या स्कूल लीडर भी नहीं बन सकता। तेरी आंखों में वही कॉन्फिडेंस, तेरे इस कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर दूंगा। तू इसे बहुत चाहता है ना? अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। इधर ला। Oh!
Come on, guys. Let's go. तुम्हारा बाप मेरे आदमियों के हाथ पैसे भिजवाने वाला है। तुम भी जाना चाहती होगी ना? मगर नहीं। तुम्हारे पास है क्या जिसके लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी? लगता है तुम्हारे पास जरूर कुछ स्पेशल है। अगर शिवा इस वक्त यहाँ होता तो तुम्हारी बदतमीजी तुम्हारे मुंह में नहीं होती। इतने दिन उसके साथ रह रह के मुझ में इतनी ताकत आ गई, मैं खुद अंदाजा नहीं लगा सकती। मैं अभी 4 किलोमीटर दौड़ने वाली हूँ। अगर तुम लोगों ने माँ का दूध दिया है तो पकड़ के दिखा मुझे। अबे बुद्ध बनके क्यों खड़ा है तू? पकड़ के दिखा मुझे। जिंदा वापस आऊंगा इसकी उम्मीद नहीं थी ना तुझे? उठो 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 शिवा, उठो, अल्लाह की दुआ से तुम बच गए। तेरी आंखों में मौत का खौफ देख रहा हूँ और तेरी मौत मैं हूँ। तेरी ताकत का राज मैं जान गया हूँ।
मेरी मार से तेरे दिल की धड़कन रुक रही है, फिर भी ये कॉन्फिडेंस क्यों रे? इंसान से मुझे हैवान मत बना, वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। Clean the dust.